अनुभूति बहुत ही अच्छा है, जनता का सहयोग मिल रहा है। जन सैलाब देख लीजिए, जनता का समर्थन हमारे साथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र संख्या 12 की सबसे प्रबल और सशक्त वार्ड पार्षद पद की उम्मीदवार पुतुल देवी ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन किया और इस दौरान उन्होंने दुर्गा मंदिर में जाकर माँ दुर्गा की आशीर्वाद भी ली, माँ दुर्गा के की पूजा अर्चना भी की। वहीं डीटीवी भारत के संवाददाता सरफराज आलम से खास बातचीत की है पुतुल देवी के पुत्र और प्रतिनिधि विकास कुमार ने। इस खास बातचीत में विकास कुमार ने कहा है कि यदि उनकी माँ भारी मतों से, रिकॉर्ड मतों से जीतती है तो वो जनता के हर उम्मीद को पूरा करेंगी और हर उस कार्य को करेंगी जिसका इंतज़ार जनता को बहुत सालों से है। आपको बता दें कि पुतुल देवी ने ये भी दावा किया है कि यदि वो वार्ड पार्षद बनती हैं तो पूरे वार्ड में विकास का जाल बिछाएंगी। जरा इस खास बातचीत को आप भी सुनिए। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पूरे बिहार में नामांकन का धूम जारी है। नामांकन को लोग उत्सव के रूप में मना रहे हैं, नामांकन दाखिल कर रहे हैं। मेरी मौजूदगी अभी है, ये लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र का इलाका है और आज पुतुल देवी जो लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र संख्या 12 से नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में उभर कर नामांकन दाखिल करने जा रही हैं, इनके साथ भारी जन सैलाब देखने को मिला है और अभी पुतुल देवी लखीसराय नगर परिषद स्थित छोटी दुर्गा स्थान मंदिर में आकर माँ की आशीर्वाद ली हैं, आराधना की हैं आकर यहाँ पर और नामांकन के लिए कूच कर रही हैं। उनके साथ महिलाओं, पुरुषों, युवाओं, वृद्धों की भारी हुजूम देखने को मिल रही है। मैडम, बिहार और देश का उभरता टीवी चैनल डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। पुतुल देवी, वार्ड नंबर 8, पुतुल देवी, वार्ड पार्षद। चलिए, तो ये पुतुल देवी हैं, नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में वार्ड संख्या 12 में उभरी हैं। उनके पुत्र हैं, प्रतिनिधि हैं विकास कुमार। आइए उनसे जानते हैं, जो एक युवा हैं। ये बताइए, पुतुल देवी भारी हुजूम लेकर, जन सैलाब लेकर नामांकन के लिए जा रही हैं, कैसा अनुभूति महसूस कर रहे हैं? अनुभूति बहुत ही अच्छा है, जनता का सहयोग मिल रहा है। हम लोग जिस तरह से 5 साल वार्ड में सेवा दिए हैं उसका जन सैलाब देख लीजिए, जनता का समर्थन हमारे साथ है। अगर पुतुल देवी वार्ड संख्या 12 की वार्ड पार्षद बन जाती है तो क्या महिलाओं, युवाओं के कल्याण और विकास के लिए पुतुल देवी का क्या विजन होगा? हम लोग पूरा प्रयास करेंगे युवा के लिए, महिला के लिए बढ़ चढ़ के हर काम को करने का और वार्ड में जो भी सरकारी योजना आएगी सरकार के द्वारा उसको धरातल पर हम लोग पूरा 100% उतारने का प्रयास करेंगे। क्या सरकार की पूरी योजना ईमानदारी पूर्वक धरातल पर उतारने का कार्य करेंगी पुतुल देवी? जी हाँ, 100% हम लोग धरातल पर सरकारी काम को करने का अथी करेंगे। जिस कदर आपके समर्थकों में जो गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, तो पुतुल देवी के जीत के प्रति आप कितना आश्वस्त हैं? 100% आश्वस्त हैं, सब जनता का आशीर्वाद है, प्यार है। हम लोग पूरा 24 घंटा जनता के लिए समर्पित हैं। तो देखिए, ये पुतुल देवी थी और उनके पुत्र व समर्थक विकास कुमार थे जिन्होंने पूरी बेबाकी से अपनी बात को रखा और पूरे जन सैलाब के साथ ये नामांकन के लिए कुछ कर रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। यही पुतुल देवी नारा लेकर नामांकन के लिए कुछ कर रही है। आइए, उनके एक समर्थक हैं, आप कितने उत्साहित हैं पुतुल देवी के वार्ड पार्षद के उम्मीदवार बनने से? हम लोग बहुत काफ़ी खुशी है हम लोगों को,
और ये जो 10 साल जो काम किए हैं उससे हम लोग काफ़ी प्रभावित हैं और आगे भी उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे। वार्ड संख्या 12 के मतदाताओं का मानना है कि बीते 5 वर्षों में वार्ड संख्या 12 कहीं ना कहीं विकास के मामले में पिछड़ गया, तो क्या पुतुल देवी विकास के मामले में अपने वार्ड को जगमग करेंगे जीतने के बाद? हर संभव प्रयास करेंगे 100%, और कहीं भी पिछड़ रही है, हर वार्ड से हमारे वार्ड में अधिक से अधिक काम होता है, ये हम लोगों ने देखा है 10 साल के अंदर में। तो चलिए, ये भारी उत्साह के साथ पुतुल देवी नामांकन को कूच कर रही है। सरफराज आलम, डीटीवी भारत।